अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनु की दुनिया। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपनी एक बहुत ही मज़ेदार मीठी मीठी और खूब मज़ेदार खुशबू वाली रेसिपी के साथ। मैं बनाने वाली थी बर्फ़ी, तो मैंने सोचा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये हैं वो थोड़ी सी चीज़ें जिनसे हम बनाएंगे बर्फ़ी, जो कि घर में पहले से मौजूद होती हैं। ये है मेरे पास मैदा 2 कप, 2 कप है मेरे पास दूध, थोड़ा सा विनीगर लेंगे वाइट, और यह है देसी घी, यह है बादाम, और यह है इलायची, और यह है चीनी। अब इन सारों का इस्तेमाल करके हम बर्फ़ी कैसे बनाएंगे घर पे? तो फ्रेंड्स, मैंने ये एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 कप चीनी। चीनी डालने के साथ मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 चम्मच पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने। जी तो फ्रेंड्स, ये है चूल्हा जल रहा, और इसको थोड़ा हल्की आंच पे हम रखेंगे, और इसके ऊपर हम रख देंगे चीनी और पानी जो हम लेके आए हैं कैरमल होने के लिए, और इसको साथ साथ हम हलाते रहेंगे। ये देखें, ये गीला गीला हो गया, मतलब ये कैरमल बनने वाली है। और आपने ये याद रखना है कि आपने बिल्कुल हल्की आंच पे और बड़े आराम सुकून से इस रेसिपी को बनाना है, जल्दी नहीं करनी आँच। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी शुगर जो है वो जल सकती है और आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। ये मैंने इसमें इलायची भी डाल दी है, और मैं अब इसको साथ साथ हलाती रहूँगी ताकि इसकी खूबसूरत सा कलर आ जाए। ये देखें, ये कैरमल बनना शुरू हो गई है। बस हम इसका एक खूबसूरत सा कलर ले आएंगे ब्राउन, और हलाते इसलिए रहेंगे ताकि ये जले ना। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये कैरमल रेडी हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप दूध। जब हम इसमें दूध डालेंगे तो कैरमल जो है वो थोड़ी थिक हो जाएगी, ये देखें इस तरह से। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये थोड़ी देर में दूध में मिक्स हो जाएगी। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। जी तो फ्रेंड्स, जब दूध थोड़ा बॉईल होने लग जाए तो हम उसमें डालेंगे वाइट विनीगर 2 से 3 ड्रॉप्स, ताकि इसमें थोड़ी सी दूध की फुटियाँ सी बन जाएँ। ज़्यादा नहीं डालना, बस हल्का सा बस डालना है। अगर आपके विनीगर नहीं तो आप लेमन भी डाल सकते हैं। ये देखें जी, अब हमने इसमें मैदा डाल लिया, और इसको हल्की आंच पर हम अच्छे से भून लेंगे, और इसमें हम 2 से 3 चम्मच ये देसी घी भी डाल देंगे, और हम इसको इस घी में भून लेंगे। मैदा का उस वक्त तक हमने भूनना है जब तक इसका रंग गंदम के आटे जैसा ब्राउन नहीं हो जाता। ये हमने दूध और चीनी का जो हमने बनाया था मिल्क सिरका डाल के, उसके साथ हमने ये बेसन जो भून के रखा था उसके साथ हमने भून लिया है इसको। अब हम इसको अच्छे से जो है वो ट्रे में सेट कर लेते हैं। ये जी तो फ्रेंड्स, ये देखें, हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसके पीसेस बना लेंगे। ये देखें, ये हमारी बर्फ़ी जो है ये रेडी हो गई है। अब हम इसकी बर्फ़ी की तरह पीसेस बना लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारी बर्फ़ी जो है ये रेडी है। अब ये बच्चे खाएंगे और आपको बताएंगे कैसी है। ये तो मनु खा रही है बर्फ़ी और बताएगी। मनु कैसी बनी है बर्फ़ी? बहुत अच्छी। रफाइल आप बताओ। मामा बहुत अच्छी। अभी तो खाते नहीं है। हाँ तो खाओ ना, खा के बताओ कैसी बनी है। टेस्टी, फुल टेस्टी।